हेलो एवरीवन, टुडे इन आवर ग्रामर सेक्शन, दैट इज टुडे इन आवर इंग्लिश ग्रामर, वी विल डू विद वन ऑफ द टॉपिक दैट इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. Now, if I talk about, we had already done topic adjectives, right? Adjectives, video is already uploaded and we will just go with comparison of adjectives. Comparison, we can tell compare karna. Ya to kisi ke saath compare nahi karna, ya kisi ek ke saath compare karna, or we will compare with more than one people or thing, right? Compare karna. Okay, now so like suppose if I write sweet, sweeter and sweetest. Okay, अब इसमें से sweet मतलब ये first degree होगा, that is first comparison degree होगा adjective का, which will be positive, that is not to compare with anyone. Okay, second one is sweeter. Sweeter is comparative degree and sweetest is superlative degree. Okay, now agar hum, let us take one sentence. So if I take sentence for positive, so one sentence I can write is Rama's mango is sweet. तो अब यहाँ पर mango कितना sweet है, like कौन सी variety है mango की, उसके बारे में कुछ नहीं. It is simple sentence, Rama's mango is sweet. तो here sweet is positive degree, not compared with anyone. If I go with second sentence, तो second sentence can be Harry's mango is sweeter than Rama's. So what happened here? हैरी के पास जो मैंगो है वो रामा के पास जो मैंगो है उससे ज़्यादा स्वीट है. तो स्वीटर, हेयर स्वीटर इज कंपैरेटिव डिग्री, राइट. इफ आई राइट वन मोर सेंटेंस, इफ आई राइट करंस मैंगो इज, सॉरी, करंस मैंगो इज the sweetest of all. So what happened here? Sweetest is superlative, right? इस तरह से सेंटेंस बनेंगे. फर्स्ट में किसी के साथ कंपेयर नहीं किया गया, सेकेंड में रामा का पास जो मैंगो है वो हरी के साथ कंपेयर किया गया, सो इट इज स्वीटर, एंड थर्ड करण के पास जो मैंगो है वो सबसे ज़्यादा स्वीट है, सो स्वीटेस्ट. बट हेयर इन दिस there is one thing which we have to note down. Mama, see, here is one thing which we have to note down. If I talk about comparative degree, it is always followed by then. Okay, comparative degree, that is sweeter jo hai uske piche hamesha then lagega. Understood? कंपेरेटिव डिग्री का कोई भी वर्ड आप यूज़ करो तो कंपेरेटिव डिग्री में दैट डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन. ओके, फॉलोड बाय देन, क्योंकि कोई भी आप डिग्री यहाँ पे लिखोगे उसके पीछे देन लगेगा ही. अगर देन नहीं लिखा तो आपका ये कंपेरेटिव सेंटेंस रॉन्ग होगा. सेम थिंग इफ आई टॉक अबाउट सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव लिखते वक्त, that is third adjective degree लिखते वक्त, उससे पहले, that is preceded,
प्रिसीडेड बाय द. सुपरलेटिव लिखते वक्त उससे पहले द लगेगा ही. दैट इज यहाँ पर भी लिखा है स्वीटेस्ट से पहले द है, राइट. यहाँ पर कंपैरेटिव में द नहीं लिखा, पॉजिटिव में द नहीं लिखा, लेकिन सुपरलेटिव में द लिखा है. सो दिस इज वन काइंड ऑफ रूल टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स. ओके, देन विद कंपैरेटिव एंड द विद सुपरलेटिव. ओके, नाउ इफ आई राइट विद मोर अबाउट दिस, अगर हम इसको और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करें, सो वी हैव सो मैनी डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी रिटर्न एज एडजेक्टिव्स. बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स में लिख सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव से लाइक सपोज इफ आई राइट अबाउट बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, राइट, बोल्डेस्ट. ओके, सो यहाँ पर बोल्ड के साथ ई आर और ई एस टी लगा है, ई एस टी. ओके, सेम थिंग इफ आई स्टिल राइट मोर दिस लाइक सपोज क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलरेस्ट एंड ऑल, सॉरी. ओके, सो टॉलेस्ट, सो यंग, यंगर, यंगेस्ट. ये सारे जो कंपेरेटिव डिग्री मतलब कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, दीज ऑल थिंग्स आर देयर. ओके, नाउ देर आर मैनी एडजेक्टिव्स विच एंड विद ई. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल ब्रेव, बी आर ए वी ई, ब्रेव, तो ब्रेव जो है वो ई के साथ ख़त्म हो रहा है. ओके, और कोई भी जो एडजेक्टिव ई के साथ ख़त्म होता है उसके पीछे ई आर और ई एस टी लगता ही है. लाइक अगर इसका कंपेरेटिव देखें तो इट इज़ ब्रेवर एंड सुपरलेटिव इज ब्रेवेस्ट. अंडरस्टूड, डबल ई नहीं लगाना, वही ई विल बी यूज, आर एंड एस टी विल बी यूज फॉर दैट. ओके, सो इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट लार्ज, तो लार्ज भी ई के साथ ख़त्म हो रहा है, तो लार्ज विल बी लार्जेस्ट, सॉरी लार्जर एंड लार्जेस्ट, राइट, लार्जर एंड लार्जेस्ट. अंडरस्टूड, सो एस टी एंड आर इज यूज फॉर दिस ऑल्सो. ओके, नाउ देर आर मैनी वर्ड्स विच आर एंडिंग विद वाई, लेकिन वो वर्ड्स के लिए हमें फिर से यही ध्यान रखना होगा कि वाई से पहला लेटर कौन सा है. दैट इज़ आइदर इट इज़ वॉवल और इट इज़ कॉन्सोनेंट. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ ड्राई, डी आर वाई, तो वाई से पहला जो लेटर है वो आर है. ओके, वाई से पहला लेटर आर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई विल गेट चेंज इन टू आई ई आर. अंडरस्टूड, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डन नाउन्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि वाई कब रिमूव हो जाता है, जब उससे आगे वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो. तो सो इसका कंपेरेटिव विल बी डी आर आई ई आर एंड डी आर आई ई एस टी, ड्राइएस्ट. ओके, ड्रायर, ड्राइएस्ट. इफ स्टिल आई विल गो विद वन मोर, से लाइक सपोज इफ आई गो विद हैप्पी, तो हैप्पी में भी वाई से पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, तो वहाँ पर भी वाई निकलेगा. दैट विल बी एच डबल, एच ए डबल पी आई ई आर एंड एच ए डबल पी आई ई एस टी, हैप्पीएस्ट. अंडरस्टूड, नाउ इफ आई गो विद सर्टेन वर्ड्स जिसके आगे वोवल्स लगता हो, से लाइक सपोज ग्रे, जी आर ई वाई, ग्रे, तो यहाँ पर वाई के आगे ई लगा है एंड ई इज़ वॉट, ई इज़ वोवल. ओके, तो वहाँ पर ई आर एंड ई एस टी लगेगा, वाई रिमूव नहीं होगा, इट विल बी ग्रेयर एंड ग्रेएस्ट. वाई विल नॉट गेट रिमूव इफ वाई के पहले का जो लेटर है वो वोवल है. अंडरस्टूड, सो वाई विल नॉट गेट चेंज. ओके, नाउ देर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर मतलब लास्ट लेटर जिसका है वो डबल होते हैं. लाइक सी, बिग,
तो बिग को अगर कंपैरेटिव में लिखना है तो इट विल बी बिगर एंड बिगेस्ट. व्हाट इज चेंज हेयर? दैट इज, एक तो लास्ट लेटर जो है वो डबल हो रहा है एंड ई आर इज ऑल्सो यूज, ई एस टी इज ऑल्सो यूज. अंडरस्टूड? ओके. नाउ हेयर व्हाट दे हैव रिटन हेयर, लाइक सी, अगर कोई भी वर्ड जो है ओके उसमें वो लेटर, सी यहाँ पर जो जी है दैट इज़ कॉन्सोनेंट, लेकिन जी के आगे जो आई है दैट इज़ वोवल. ओके, वो वर्ड्स जो एंड कॉन्सोनेंट से होते हैं और उनके तुरंत पहले का लेटर वोवल होता है, उसमें वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव लिखते वक्त. आई रिपीट, से लाइक सपोज इफ आई राइट एफ ए टी फैट, हेयर टी इज कॉन्सोनेंट, ए इज वोवल, सो टी कॉन्सोनेंट जो है वो कंपैरेटिव में डबल टी ई आर हो जाएगा एंड सुपरलेटिव में डबल टी ई एस टी हो जाएगा. क्यों? बिकॉज कॉन्सोनेंट से आगे वोवल लिखा गया है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स वी कैन से, जहाँ पर डबल टी आएगा. वी कैन स्टिल हैव मोर एग्जाम्पल्स लाइक हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट. ओके, तो ये सारे वर्ड्स में जो लास्ट लेटर होंगे वो डबल होंगे, और क्यों डबल होंगे, दैट इज़ उससे पहले वोवल्स यूज हो रहे हैं इसके लिए. अंडरस्टूड? नाउ देर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जो जिस पे ई आर या ई एस टी नहीं यूज होता, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज मोर एंड मोस्ट. ओके, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके पीछे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट प्रॉपर, अगर मैं प्रॉपर लिखूँ तो आई कैनॉट राइट प्रॉपरर और प्रॉपरेस्ट, दैट विल बी रॉन्ग. इंस्टेड ऑफ दैट कंपेरेटिव डिग्री में प्रॉपर विल बी मोर प्रॉपर. ओके, एंड सुपरलेटिव में इट विल बी मोस्ट प्रॉपर. अंडरस्टूड? मोस्ट प्रॉपर. ओके, सो सिमिलरली देर आर मैनी अदर वर्ड्स लाइक इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. ओके, तो कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें मोर एंड मोस्ट यूज होता है. ओके, नाउ देर आर सर्टेन वर्ड्स विच कम्प्लीटली चेंज व्हेन दे गो टू कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेल देम एज इरेगुलर कंपेरिजन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ गुड, इफ आई टॉक अबाउट गुड, तो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज बेटर एंड सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट. तो तीनों तीन वर्ड्स अलग है, बट दीज ऑल आर सिमिलर एडजेक्टिव, वन मोर देन वन कंपेरिंग एंड मोर देन टू कंपेरिजन. ओके, सेम लाइक वी कैन गो विद वन मोर, दैट इज लिटल. सो लिटल इज पॉजिटिव, लिटल का कंपेरेटिव विल बी लेस एंड सुपरलेटिव विल बी लीस्ट. ओके, सो यहाँ पर जो है वो इरेगुलर एडवर्ब होंगे, इरेगुलर एडजेक्टिव होंगे जिनमें कंप्लीटली वर्ड्स चेंज हो रहे हैं. अंडरस्टूड? ओके, देन इवन हेयर वन मोर आई कैन टेल यू अबाउट फार. तो फार इज फार्दर, राइट, एंड फार्देस्ट. ओके, तो यहाँ पर भी टी एच ई एस टी, टी एच ई आर, सो वर्ड्स जो है वो कम्प्लीटली इरेगुलर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. वन मोर इफ आई गिव यू, सो वी कैन गो विद मच. मच कंपेरेटिव विल बी मोर एंड सुपरलेटिव विल बी मोस्ट. ओके, सेम विद मैनी ऑल्सो, मैनी का भी कंपेरेटिव होगा मोर एंड मोस्ट. ओके, सो इरेगुलर एडजेक्टिव कंपेरिजन इनको हम बोल सकते हैं. अंडरस्टूड?
So these are certain basic principles for adjectives, comparison of adjectives. Okay, in our next video we will still continue with adjectives more in detail. There are certain system or certain way to use certain comparison degrees and all, we will still make it sure with that. Okay, like humne yahan par, agar humne yahan par dekha is sweet. Okay, to Rama's mango is sweet, to yahan par sweet hai, yahan par sweeter than hai, aur yahan par the sweetest hai. Okay, lekin positive degree banate waqt we can tell there are certain rules. Okay, ab next topic we will continue with use of adjectives. Adjectives ko use kaise karna hai hame. Okay, that we will continue in our next video. Till that, please go through with this video so that you can understand kin words ke saath last letter double lagega ya kin words ke saath IER लगेगा, किन वर्ड्स में वाई स्किप होगा और किन में वाई स्किप नहीं होगा. दैट ऑल थिंग वी हैव टू गो थ्रू, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट टॉपिक वेल. वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एडजेक्टिव्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड स्टडी वेल. बाय बाय.